कहाँ रह गई थी तुम? कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा? क्या हो गया? प्लीज रिया, आपको बुरी खबर मत सुनाना। बुरी खबर सुन सुन के ना मैं परेशान हो गई। कैन वी जस्ट हैव अ नॉर्मल डे इन दिस हाउस, अ नॉर्मल डे विदाउट एनी ट्रबल? रिया चुप क्यों हो? तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। प्लीज डर तो मुझे लगने लगा है। आपको एक नॉर्मल डे चाहिए ना? गॉड बूजी, मुझे तो सुकून का एक मिनट नहीं मिलता यहाँ। कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता यहाँ। कुछ भी अच्छा करने जाओ, कुछ भी अच्छा करने के लिए प्लान करो तो प्लान फेल हो जाता है। एंड गेस व्हाट, अगर प्लान को ठीक करने जाओ, बचाने जाओ, मुझे पता क्या होता है? और बुरा हो जाता है। जिसे मैं बिल्कुल देखना नहीं चाहती वो बार बार मेरे रणबीर के पास दिखती है। जिसे मैं अपनी लाइफ से निकालना चाहती हूँ ना, वो रणबीर की लाइफ में और घुसती जाती है। और स्पेशली कल से प्राची, मुझे प्राची की जान खतरे में देख के रणबीर उसके और क्लोज आ गया है। रणबीर ने अपनी जान खतरे में डाल दी। और पता है क्या होता है, जब रणबीर को भी तकलीफ होती है ना, तो प्राची डॉक्टर, वैद्य, नर्स, सब कुछ बन जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं कि ये दोनों अलग हो जाए। अपने आप को मार डालूं क्या? अरे मैंने यहां तक भी प्रूव कर लिया कि प्राची का बच्चा उस सिड का है। अभी भी वो अलग नहीं हुए। अब की अपनी जान दे दूं इन दोनों को अलग करने के लिए। मुझे पता है कि क्या करना है। I have a number. भूजी, please, please, for heaven's sake, no more ideas, no more plans. आप प्राची के अगेंस्ट कुछ मत करना। You know why? उसे कोई वरदान प्राप्त हुआ है। कल से तो ऐसे लग रहा है जैसे उसे कोई शक्ति सिद्ध हुई है। कभी भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप कुछ भी करेंगी ना, तो नाम मुझ पर आएगा। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। What? अगर मन में ठान लो कि हम हारने वाले हैं, तो हम हारेंगे जरूर। और अगर मन में ठान लिया कि हम जीतने वाले हैं, तो हम जीतेंगे जरूर। क्या करने वाली है आप? हेलो प्रदीप, थैंक यू। पूजी, रियली आप इन लोगों की मदद लेंगी? यही तो लोग हैं जिनकी बातों से सबसे ज्यादा असर पड़ता है। घर वालों के तानों से ज्यादा बाहर वालों के ताने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं रिया। आर यू श्योर ये काम करने वाला है? ऑफ कोर्स। पल्लवी के लिए कोहली मैंशन की इज्जत सबसे बढ़कर है। उसके घर पर आ चाहे वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जब वो देखेगी कि उसके घर की इज्जत नीलाम हो रही है, फैमिली बदनाम हो रही है, तो उसकी गुस्से की आग दिवाली की आग से भी ज्यादा डेंजरस होगी। और रणबीर, वो गुस्से में पागल हो जाएगा। उसका पागलपन भी इस बार प्राची को नहीं बचा पाएगा। पूजी, आपको नहीं लगता हमें न्यूज चैनल वालों को बता देना चाहिए? जो आपने इस प्रदीप को कहा, जो न्यूज पेपर में नहीं पढ़ पाएगा न्यूज चैनल्स में सुन पाएगा। सुनी सुनाई बातें बहुत दूर तक आग लगाती है। That's my girl's comeback. Come here. Let's do it. प्राची का बदनाम करते हैं। प्राची बदनाम होगी तो कोहली फैमिली अपने आप बदनाम हो जाएगी। Yes. And I can't wait. रिया, इसके लिए हमें कुछ फोटोज चाहिए होंगी। जितनी भी सेरेमनीज हुई हैं, फोटोज निकाल के दो तो मुझे। प्राची और सिड की फोटोज ना? ऑफ कोर्स, रणबीर और प्राची की फोटोज हमारे किस काम की? असली आतिशबाजी तो सिड और प्राची की फोटोज ही करेगी।